आप देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हूं संदीप शर्मा। जिंदर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी के उम्मीदवार अब मैदान में डट चुके हैं। तो उन्हीं उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जो समूह लीडरशिप उनकी होती है पार्टी की, वो सभी जो पार्टी प्रतिनिधि है वो लगातार जलंधर में डेरा जमाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अपने उम्मीदवार के लिए वो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। इसी के साथ वो प्रचार करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे, क्योंकि चाहते हैं कि उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार वो इस लोकसभा उपचुनाव में विजेता रहे। सो आज जलंधर के श्री शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में यूपी के राज्यसभा मेंबर बीजेपी के डॉक्टर अनिल जैन यहाँ पर नतमस्तक होने आए हैं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, डॉक्टर अनिल जैन जो सांसद है राज्यसभा के यूपी से बीजेपी पार्टी के, तो यहाँ शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में नतमस्तक होने आए हैं। और यहाँ अपने उम्मीदवार और पार्टी के लिए नतमस्तक होने आए हैं कि उनका उम्मीदवार जलंधर उपचुनाव में विजेता रहे। और तो बात करते हैं डॉक्टर अनिल जैन, सबसे बड़ा स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। कैसे लग रहा है अभी उपचुनाव है जलंधर के, और कैसा आपने अनुभव किया यहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार है इंद्र इकबाल सिंह अटवाल है, क्या लगता है आपको? पहले तो मंदिर परिसर में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करने आए हैं, और मेरी भारत माँ विश्व गुरु के स्थान पर आसीन हो ऐसी प्रार्थना माता से करने आए। चुनाव का जहाँ तक विषय है, ये उपचुनाव वैसे तो उपचुनाव है, कोई बहुत लंबे समय का चुनाव भी नहीं है, फिर से लोकसभा के चुनाव आने ही वाले हैं, लेकिन ये एक संकेत देने वाला चुनाव है। संगरूर में आम आदमी पार्टी हारी है, अर्थात आम आदमी पार्टी फ्लूक में जीती, लोगों को झूठी आशाएं मिल गई और वो करने वाले कुछ है नहीं, किया भी नहीं है और करने वाले है भी नहीं। बहुत सिंपल बात, एक सूबे का मुख्यमंत्री दूसरे सूबे के मुख्यमंत्री के पीछे पीछे हर जगह जाए तो वो स्थिति वो बात समझ में नहीं आती कि वो अपने सूबे का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले या जनता की चिंता करे, या वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे जहाँ जाए वहाँ खड़े हो जाए, जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ। ये रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम है, इससे प्रदेश नहीं चलते हैं जी। इस समय पंजाब, किसी समय पंजाब देश का सिरमौर होता था, पंजाब के बारे में, यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ की खेती के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में लोगों को गर्व होता था, और आज पंजाब सब तरफ से गर्त में जा रहा है। तो ये इस प्रकार की सरकारें ये इस पंजाब का भला नहीं कर सकती। पंजाब दो बजे से जाने लगा है, नशा और कैंसर, ये स्थिति पंजाब की हो गई है। तो ये इस स्थिति को ठीक कैसे हो सकता है? आप देखिए, लोगों के मन में ये विश्वास आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, रोशन हो रहा है, आप कोई भी भारतीय पूरी दुनिया में कहीं पे भी है वो आप गर्व से कह सकता है, गर्व से रह सकता है। भारत का नाम चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, पूरे देश में और दुनिया में कहीं भी है, वो इस बात को मानता है कि मोदी जी ने भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है, ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे ही जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ विकास तेजी से हुआ है। आपके सामने मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं सबसे खराब में मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल हो रही है। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश उत्तर प्रदेश के लिए आए हैं। तो जब डबल इंजन की सरकार है, अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में भी है, तो पंजाब को पंजाब का खोया गौरव मिलना चाहिए, पंजाब की पंजाबियत बची रहनी चाहिए, और पंजाब सही मायने में फिर से देश का सिरमौर
प्रांत बने, इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भी सरकार बने और प्रदेश में भी भाजपा आए ये चुनाव, क्योंकि इस चुनाव से ना तो केंद्र में बदलाव होने वाला है ना प्रदेश में होने वाला है, लेकिन ये चुनाव पंजाब की तकदीर और तस्वीर कैसी हो ये बदल सकता है, बता सकता है, संकेत दे सकता है। इसलिए हम इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सब चुनावों को अच्छे से गंभीरता से लड़ती है चाहे कहीं का भी चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव को खासकर क्योंकि ये संकेत देगा पंजाब की बदल के लिए और पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए। ये चुनाव में यार एक झंडा रहा बीजेपी का, जो जलंधर उपचुनाव के लिए केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए अपॉइंटेड किया गया था, लेकिन वो 900 करोड़ रुपया कहाँ गया कुछ पता नहीं। जलंधर शहर की दुर्दशा बस से बदतर हो चुकी है, लेकिन प्रांतीय सरकार जो पंजाब सरकार है मान सरकार उसके ऊपर कोई अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कहाँ गया 900 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने भेजा, इसके लिए जाँच अगर बीजेपी कैसे करा सकती। देखिए ऐसा है कि जो जिस चीज़ के लिए धन आवंटित किया गया है अगर उस मद में पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि उसका लेखा जो बाद में सीएजी की रिपोर्ट जब आती है तो उसके हिसाब उसके अनुसार ही उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और लेकिन ये दुर्भाग्य है कि केंद्र से पैसा आता है और यहाँ की प्रांतीय सरकारें उस पैसे का उपयोग उस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए नहीं करती हैं, यही समस्या है। और डबल इंजन की सरकार आएगी तो ये समस्या नहीं रहने वाली है। क्या रहा अब क्या सोच रहे हो, क्या एजेंडा लेकर बीजेपी अब उपचुनाव जलंधर के लिए चल रही है, क्या मानती है? देखिए बीजेपी साफ कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज 2014 से पहले की स्थिति आपकी कल्पना करिए, हिंदुस्तान की स्थिति, भारत की स्थिति दुनिया में क्या थी और आज क्या है, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है, भारत के लोगों के मन में इंडस्ट्री की, जबकि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद दुनिया के बड़े बड़े देश एक तरह से ढह गए और भारत जो 100वें से नीचे नंबर पे था हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में, उसने अव्वल दर्जे की लड़ाई कोरोना से लड़ी मोदी जी के नेतृत्व में। तो जब नेतृत्व है और डिसीजन मेकिंग पावर है और पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है तो कैसे परिवर्तन होता है, यही ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से कितने बड़े बड़े काम हुए इस देश में। आपको देश के 150 नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। जनधन खाते खुलना ये बहुत बहुत बड़ा, मैं दुनिया के तमाम देशों में गया हूँ कि इतने कम समय में इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, 47 करोड़ से ज़्यादा के जनधन खाते खुले, इसकी वजह से DBT सक्सेसफुल हो रही है, इसकी वजह से बिचौलिए 2,37,000 करोड़ रुपए खा जाते वो देश के काम में लगे। तो जनधन खाते के माध्यम से लोगों को सीधे सुविधाएं पहुंच रही, बिचौली खत्म, अब भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। फिर 12 करोड़ लोगों को अगर उनको गैस के चूल्हे मिले, गैस मिली मोदी जी के नेतृत्व में, जो माताएं बहनें अपनी धुआं में फूंकते थे, उनकी आँख खराब होती थी, घर वालों के फेफड़े खराब होते थे, वो इतना बड़ा काम हुआ है। ये कोई सरमाएदारों का काम तो है नहीं, ये नीचे गरीबों के लिए काम हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो अंत्योदय मतलब गरीब कल्याण। तो चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, अब आयुष्मान के बारे में जहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं या ये आम आदमी की सरकार है ये आयुष्मान लागू नहीं होने देती, लेकिन अब आयुष्मान डॉक्टर साहब साथ में है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आयुष्मान एक तरह से गेम चेंजर का काम कर रहा है। देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन में आयुष्मान के कारण से इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, देश गरीबों को सस्ती दवाएं मिले, तो ये जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। लेकिन लोगों को देश में 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी जब मोदी जी आए थे, तो 18,000 गाँव में 1,000 दिन के अंदर बिजली पूरी करने का काम किया, करोड़ों करोड़ों लोगों के घर में बिजली दी गई, फ्री कनेक्शन दिए गए, ये मूलभूत सुविधाएं शुरू में ही हो जानी चाहिए थी, कांग्रेस ने किया ही नहीं कुछ काम। इस तरह से लोगों के घर में शौचालय आए हैं, शौचालय आना खाली शौचालय नहीं है, शौचालय से बीमारी दूर होती है, इज्जत महिलाओं की इज्जत बढ़ती है, तो करोड़ों करोड़ों घरों में शौचालय आए। अब ये इतना बड़ा काम ये पहले नहीं हो सकता था क्या? स्वच्छता का मिशन आज दुनिया में, स्वच्छता मिशन की पूरी दुनिया तारीफ करती है,
पहले लोगों ने मजाक बनाई थी स्वच्छता मिशन की, मोदी जी की, और आज दुनिया इसको सबसे अच्छा सबसे कारगर कार्यक्रम मानती है। अब सब जगह हम सबको देखने को मिलता है कि हाँ सफाई है। तो ये इस तरह के जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों की सोच बदले, नेतृत्व के कारण से ऐसा हो रहा है। और नेतृत्व ने अब शिक्षा के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, सबको शिक्षा कैसे मुहैया हो और शिक्षा देश के और व्यक्ति के समाज के काम आए, इस प्रकार की भी चिंता की जाती है। एक सवाल बेशा जो राजनीतिक पार्टी आपके लिए कड़वा सवाल बेशा खड़ा करती है, कहते हैं भी मोदी ने कहा काला दिन वापस लेके आएंगे, लेकिन मेहुल चौकसी और माले जैसे अभी भी बंदे बाहर है, काला दिन कहाँ गया, वो उनको वापस क्यों, क्या कारण, अभी इतनी देर क्यों लगी उनको वापस? देखिए ऐसा है, मेहुल चौकसी हो चाहे विट्ठल माल्या हो और सॉरी विजय माल्या हो, ये सब कांग्रेस के ज़माने में इनको गलत तरीके से लोन दिए गए, भाजपा सरकार उनको पकड़ रही है, तो हम कटघरे में हैं कि वो कटघरे में होंगे? भाजपा सरकार ने उनको पकड़ा है और उजागर किया है और उनका एक्सट्रेडिशन भी करा रहे हैं, प्रत्यार्पण भी करा रहे हैं। तो ये चाहे मेहुल चौकसी हो चाहे जो लोग हो, पकड़ने का, रोकने का और वापस पैसा लेने का, अब हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की है और एक्सचेकर को पैसा मिले, इन्होंने जो 8 लाख करोड़ के लोन थे वो 54 लाख करोड़ के लोन कर दिए थे मनमोहन सरकार ने, और इतने उसी के कारण से इतने एनपीए हुए, बगैर नियम कानून के फोन बैंकिंग चलती थी इनके यहाँ, फ़ोन कर दिया उनको लोन दे देते थे। इस लोगों को उनकी सही हालात के हिसाब से नियम कानून के हिसाब से दिए नहीं, अब वो एनपीए हो रहे हैं, जेल हम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक कर रहे हैं और दुनिया की सबसे तेज गति की चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है, और आज भी सारे दुनिया के देश भारत की तरफ अब देखते हैं कि भारत क्या कहता है, उस हिसाब से आगे के काम करते हैं। तो ये भारत की स्थिति सारी दुनिया की पंचायत में जो मोदी जी ने की है, चाहे कूटनीतिक विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे सामरिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, सब विषयों में, चाहे पर्यावरण का विषय हो, आज भारत नेतृत्व करते दिखता है। लग रहा है अब जनता उपचुनाव के लिए लगता है भी आपका बीजेपी का जो उम्मीदवार जो उम्मीदवार है वो विजय अवश्य हो? नहीं, हम अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए ही यहाँ लगे हैं और जीतेंगे, जी जीतेंगे। अभी जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट ये रही है, थोड़ी सी उनके प्रति सहानुभूति भी हो सकती होगी, लेकिन अब कांग्रेस ने खुद ही जिस प्रकार से पंजाब में मंटा ढार किया है चलती सरकारों का, और कांग्रेस अब पूरे देश से अप्रासंगिक हो गई है, अब कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई है, इसलिए अब कांग्रेस में देखे तो कोई लाभ है नहीं। जो देश को आगे ले जा सकता है, जनता के दिमाग में भरोसा आ गया कि अकाली भी देख लिए, कांग्रेस भी देख ली और आम आदमी पार्टी भी देख ली है किस प्रकार से, अभी तो इन पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये तो आते ही आते इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब जनता में निश्चित रूप से हम ये उम्मीद जगाने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो निश्चित रूप से पंजाब की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और पंजाब का रोल जैसे पहले कभी होता था देश में वैसा होगा। ये थे डॉक्टर अनिल जैन जी, मेंबर राज्यसभा बीजेपी पार्टी यूपी से, जो आज विशेष रूप से जलंधर के शक्तिपीठ ऐतिहासिक मंदिर श्री देवीतला मंदिर में यहाँ नतमस्तक होने आए, वहाँ जहाँ सब लोगों की सब सरबत भले की उन्होंने अरदास की और मंदिर में नतमस्तक हुए, वहीं अपने उम्मीदवार के विजय होने के लिए इस शक्तिपीठ देवीतला मंदिर में आशीर्वाद लिया। एक बात उन्होंने और बताई है, ये 9 महीने और ये जलंधर के उपचुनाव, जलंधर की आने वाली या पंजाब में आने वाली जो तकदीर और तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख देंगे। कैमरा मैन सनी मोहता के साथ संदीप शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी जलंधर।